जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। प्यार कौन नहीं करता इस दौर में, आप भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। प्यार का रंग अलग अलग हो सकता है, स्वभाव अलग अलग हो सकता है और भाव भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्यार हर एक व्यक्ति करता है क्योंकि प्रकृति का स्वभाव है मनुष्य के लिए प्यार, सौहार्द और शांति। तो कुछ 5 मंत्र, ऐसे मंत्र जो आप अभी तक कभी भी आपने सुने नहीं होंगे, और ये जो मंत्र है इनको अपनी USP बना ले और इनको अपनी अंडरलाइन बना ले। अगर आप इसे अंडरलाइन बना लेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी और बहुत सारी बातें जिनसे आप परेशान हो रहे हैं वो आपकी सही हो सकती हैं। तो वो कौन से प्यार के 5 मंत्र हैं जिन मंत्रों को फॉलो करने के बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे आप बाहर आ सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में लिखें जय श्री महाकाल। और दोस्तों अगर आप मुझसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। तो प्यार के मंत्रों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और मुख्य मंत्र ये है कि दोस्तों कभी भी जब भी हम किसी से प्यार करें या इस तरह की बात हो तो उसमें संबंध जो है उन्हें थोड़ा सा चीज़ों को दूर रखें। शारीरिक संबंध की मैं बात कर रहा हूँ, ये पहला मंत्र है, इसे हमेशा याद रखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर ये 5 मंत्र आप चीज़ें समझ पाएंगे तो बहुत सी चीज़ें से बच पाएंगे। तो पहली और मुख्य बात है कि संबंध विवाह के बाद ही बनाएं, प्यार संबंध जब हो किसी से उस दरमियान संबंध ना बनाएं, क्योंकि इश्क जो है वो आंखों तक है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। अब उसके अंदर में नहीं जाना चाहूँगा और उसके डीप में जो चीज़ें मैं वो नहीं बताना चाहूँगा, वो आपको समझदार है समझ सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको समझना है, इशारा ही काफ़ी है। दूसरी और मुख्य बात होती है कि प्यार में त्याग होना चाहिए, त्याग। कहीं इस बात को इंगित तो नहीं हो रहा कि कहीं हमारा उपयोग तो नहीं हो रहा है। कई बार लोग प्यार की आड़ में एक दूसरे का उपयोग कर लेते, आर्थिक रूप से मानसिक रूप से या कुछ भी काम निकालने के लिए होता है। तो ये चीज़ जरूर हो कि उन दोनों में त्याग होना चाहिए, निस्वार्थ भाव दूसरा मंत्र है। तीसरा मंत्र है कि सच। कई बार शक एक दूसरे के ऊपर करते हैं, जबरन की एक अधिकार जमाना चाहता है, तो स्वतंत्रता और शक जो है वो तीसरा मंत्र है कि स्वतंत्रता होनी चाहिए और शक उसमें नहीं होना चाहिए। चौथा मंत्र ये होना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो शुद्ध भाव होना चाहिए। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्र होना चाहिए कि दोनों आस्थावादी होना चाहिए, ये नहीं है तो कोशिश करना चाहिए।